विचार। भारतीय जन मोर्चा पार्टी का जो एजेंडा है हाँ हाँ उसको जो लोग मानते हैं तो पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं। ये बात तो फालतू की है, क्योंकि लोगबाग जो है जिस तरीके से कपड़ा बदलते हैं उस तरीके से पार्टियां बदल रहे हैं। विचारधारा तो सब फालतू की बात है ना। विचारधारा उस पार्टी के लिए है ना इस पार्टी के लिए है। सत्ता पे काबिज हुआ जाए कैसे हो सकते हैं, इसके प्रोस्पेक्ट क्या है, इसके लिए आदमी जो है ना ज्वाइन करता है। जब तक की बहुत ठोस रणनीति ना हो, जब तक कि वो ना हो, और उसमें ऐसे लोगों को जिन्होंने ऑलरेडी डिलीवरी की हुई है, यदि जो नेतागिरी का व्यवसाय कर रहे हैं ऐसे नेताओं से तो बचने की जरूरत है। सही बात है भाई, वी शुड टेक नेता एट ऑल। ये हमारे नेता दूसरे नेताओं से कैसे भिन्न होंगे, उनका चरित्र दूसरे नेताओं से भिन्न कैसे होगा? अनलेस जो है हम जो है जिन्होंने विभिन्न फील्ड में ऑलरेडी अपना कंट्रीब्यूशन किया है उनको जोड़ के कर्मठ लोगों को इकट्ठा करें तो वो उसका मतलब होगा। अदरवाइज तो वो एक तरफ की नेतागिरी वाला काम है, नेतागिरी करके जो है ना सत्ता में काबिज होने का काम है। मौका मिले ना मिले वो वाली बात है। अभी इसमें है, थोड़ी सी लोकप्रियता हासिल कर रही तो दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो जाएंगे। आप तो होते हैं इस तरह? नहीं नहीं, हमें होता है से तो काम नहीं होता है से तो काम नहीं चलेगा ना। विजन ऐसे थोड़ी आता है। सो देन जो है ना व्हाट इज द डिफरेंस इट विल बी मेकिंग इफ इवन इफ यू आर सक्सेसफुल। यदि आप सफल भी होते तो उससे कोई देश का भला थोड़ी होने वाला है। और कहने से जो है ना कोई किसी चीजों के ऊपर वो होता भी नहीं है। और हम शुद्ध राजनीति वालों को क्यों जो है ना जगह दें? हम कर्मठ लोगों को जगह दें ना, जो एक देश की व्यवस्था बदले, जो देश में जो है ना खुशहाली लाए, जो राजनीतिक व्यवसाय के ना हो। ठीक बात है। मतलब राजनीतिक व्यवसाय होगा तो फिर तो सोच वही होगी ना। आप तो हम लोगों के साथ में हैं इस तरह के लोग भी, जैसे वकील हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एक्स मैन इसमें आर्मी वाले। मालूम नहीं जी, मालूम नहीं, मैं बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हूँ। क्योंकि राजनीति यदि अपने आप में एक व्यवसाय है, राजनीति एक माध्यम बनती है तो बात समझ में आती है। यदि राजनीति जो है ना उन्हीं लोग सैलों के चट्टे बट्टों के हैं तो उनकी वही सोच होगी, वही तरीका होगा। केवल बैनर दूसरा इसलिए चाहिए क्योंकि जो है ना उसमें घुसने का मौका नहीं मिल रहा, इसमें घुस जा रहे हैं भाई। तो फिर ये उससे कोई सोच और उसमें फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। नहीं तो अभी तो हम लोगों के साथ में इस तरह प्रोफेशनल्स ज्यादा हैं, पॉलिटिशियन अब भी इस पार्टी में नहीं है। जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन होते हैं इस तरह के लोग, वो प्रोफेशनल्स ने क्या कंट्रीब्यूट किया है? जैसे आप डॉक्टर हैं, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन? क्योंकि सबसे ज्यादा अत्याचार तो जो है शिक्षा, वकील और जो है चिकित्सा के साथ ही हुआ है। न्याय दुर्लभ होता जा रहा है। वकील एक व्यवसाय है जो आपको जल्दी न्याय दिलाने के बजाय कैसे आपसे लंबा समय तक फीस लिया जाए उसमें रुचि रखता है। ग्राउंड पे रूल ऑफ लॉ चलता नहीं है। जो गवर्नमेंट है इट इज फॉर पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, राइट? उसे संवैधानिक जिम्मेवारियां का निर्वहन करना है। और उनमें से सबसे पहली जो है जो जिम्मेवारी है जो एंट्री वन कहलाती है वो प्रदेश में कानून व्यवस्था को स्थापित करना है, राइट? दूसरी जिम्मेवारी है पुलिसिंग। तो कैसी पुलिसिंग है जहाँ पे FIR दर्ज नहीं होती है? सही बात। तो यदि FIR दर्ज नहीं होती है तो क्या उसको एस्टैब्लिश करके
ऐसी राज्य सरकारों को अकाउंटेबल नहीं बनना चाहिए संविधान के प्रति? बिल्कुल होना चाहिए। तो क्या ये वकील क्या कर रहे हैं? व्हाट आर दे डूइंग? कितनी पीआईएल लगाई है आपके वकीलों ने? सोच क्या है? यदि ये होता है तो स्लोगन लिखने से, पॉइंटर लिखने से काम थोड़ी क्यों बनता है? बनता है कि हम उसको कैसे लाएंगे। ये पॉइंट लिखने से काम बनता तो जो है ना, हम दुनिया के जितने भी अच्छे पॉइंट है कोई भी लिख सकता है उसमें। डॉक्टर एसडी त्रिपाठी की जरूरत थोड़ी है। जो लिख रहे हो उसको क्रियान्वित करने की रूपरेखा ढांचा क्या है और उसमें लोग कौन हैं जो उसको क्रियान्वित करेंगे? यदि इसका मजबूत ढांचा नहीं होगा तो वो सभी लोग अपने स्वार्थ से चलेंगे और जहां उनका स्वार्थ की पूर्ति होगी वहां जाएंगे, और यहाँ पे भी बन गए और भी उनको मौका मिल गया तो यहाँ भी अपनी स्वार्थ की पूर्ति करेंगे। तो स्वार्थ की पूर्ति करने से तो जो है ना देश का कल्याण नहीं हो सकता है। एक और पार्टी पैदा हो जाएगी तो उससे देश का क्या भला होगा? आप देश का भला करने की हिम्मत रख रहे हैं तो आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या है? आपकी हम आपकी लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि है? अच्छे अच्छे लोग आए। नहीं, लोग तो सेकेंडरी है। हम जो कह रहे हैं उसे हासिल करने की हमारी रणनीति ये होगी, एक्शन प्लान ये होगा, और उस एक्शन प्लान में विभिन्न विधाओं के लोगों को जो कि महारथी हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी है, उनको जोड़ा जाए। ठीक है ना, तब कुछ काम बन सकता है, नहीं तो अदरवाइज से कुछ भला नहीं होगा। ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां जो है ना पैदा भी होंगी और उनका वो शायद अस्तित्व में भी नहीं आ पाएंगी क्योंकि उनके पास मटेरियली कुछ देने के लिए है ही नहीं। और मधुमक्खी के छत्ते जैसा जो है ना लोग बाग लालच में जुड़ेंगे और जो लालच में जुड़ेगा वो समाज को क्या देगा? सही बात, वो कुछ नहीं दे पाएगा समाज को। तो जो अपन कह रहे हैं उसकी हर के लिए रणनीति होना चाहिए। यदि कानूनी चीज है तो हमारे जो कानून से जुड़े लोग हैं क्या उसके लिए वो ड्राफ्ट बना रहे हैं, ड्राफ्ट कानून बना रहे हैं क्या? उसका जो है ना क्या पीआईआर लगा रहे हैं क्या? यदि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है तो क्या एफआईआर दर्ज करना एक पुलिसिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और पुलिसिंग जो है वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और अकेला जो है ना अच्छी पुलिसिंग ना करके, एफआईआर दर्ज ना होके और एक अपनी पुलिस पैदा करना जहां पे कि एफआईआर भी नेताओं से पूछ के लिखी जाएगी, तो इज इट नॉट फेलवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी? क्या ऐसी राज्य सरकारों को आर्टिकल 356 के तहत डिसमिस नहीं किया जाना चाहिए? तो जब तक ये सोच नहीं रहेगी तब तक त्रिपाठी जी जमीन पे यदि कुछ सफलता भी मिल जाएगी तो सोच और वो जो है बेसिकली स्वार्थ स्वार्थ ही जो है ना निर्णय के कारण बनेंगे। आपकी मजबूरी है लोगों को जोड़ना, और लोग वो जुड़ेंगे जिन्हें यहाँ पे हरियाली दिखाई देगी, जिन्हें जिन्हें दूसरी जगह की हरियाली किसी कारण से नहीं मिल पा रही है, तो उनकी हरियाली के लिए एक और पार्टी खड़ी हो जाए उससे क्या किसका भला होने वाला? बताइए आप मुझे। है तो सही बात, मतलब जब तक कि हमारे पास रीढ़ की हड्डी ना हो, अल्टरनेट एक्शन प्लान ना हो, जिन कानूनों से हम सहमत ना हो उन कानून के हम खुद ड्राफ्ट ना बनाएं, उन ड्राफ्ट को जब तक आप सत्ता में नहीं आते हैं उनके लिए आप लड़ाई लड़ें, उनके लिए आप पीआईएल फाइल करें, उनके लिए एडवोकेसी करें। एग्रीकल्चर फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर के विद्वानों को इकट्ठा किया जाए और सत्ता के बाहर रह के भी उसे करने की कोशिश की जाए। तो एक आप एक ईमानदार कोशिश कर रहे हैं ये कहीं स्थापित होगा। अदरवाइज जो है ना बड़ा आसान काम है कि आप एक जुलूस निकाल लीजिए, कहीं चक्का जाम कर लीजिए, दो चार लाठियां खा लीजिए, दो चार केस रजिस्टर करा लीजिए, नेता बन गए आप है और पब्लिसिटी मिल गई, फिर हो सकता है कि कुछ पॉलिटिकल एडवांटेज भी मिल जाए केजरीवाल जैसा, तो फिर क्या फायदा निकलेगा? नहीं, हम लोग चाहते हैं कि नहीं, चाहने से काम नहीं चलता है, चाहने से काम नहीं चलता है। देयर हैज टू बी डिटेल्ड एक्शन प्लान, देयर हैज टू बी
द पीपुल दोज यू आर हैविंग द क्रेडिबिलिटी, जिन्होंने अपनी जिंदगी की तपस्या की है विमेन फील्ड में, उन लोगों को खोजा जाए, उन लोगों को अप्रोच किया जाए, राइट? बिल्कुल, तब उससे कुछ फायदा बनेगा। अच्छा, इसका एक्शन प्लान में एडवाइस करें आप? एक्शन प्लान वो लोग बना पाएंगे जिन्होंने उस फील्ड में अपनी लाइफ डेडिकेट की है। तो एग्रीकल्चर चीज में जो करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर को आगे बुलाया जाए। अभी तो जो है आपकी एलोपैथी ने आपकी पूरे स्वास्थ्य की ऐसी कम तैसी करके रखी है। मतलब इट इज एब्सोल्युटली रविश। क्या क्या समझते हैं आप? यदि जो है हम हेल्दी लिविंग और अच्छी चीजें ना करके एंटीबायोटिक वगैरह देके आपको अस्वस्थ होने के लिए जो है हमें उस कगार में धकेल रहे हैं, और बहुत सारी ऑटोनोमस डिसीजेज हो रही हैं, कैंसर हो रहा है। कैंसर इज नथिंग, इट इज ए प्रोटेस्ट ऑफ योर बॉडी अगेंस्ट योर माल ट्रीटमेंट टू इट। जो बिना मतलब कि आपने विषित चीजें खाई हैं, दवाइयों से लेके, खाद्यान्न से लेके, वातावरण से, ये प्रोटेस्ट है व्हेन योर ओन सेल इज ओवर ग्रोइंग एट ए फिनोमिनल रेट एंड दैट इज कॉल्ड कैंसर। सही बात, कैंसर कोई बाहर से बैक्टीरिया थोड़ी लेके आया, इट इज योर ओन सेल इज रिवोल्टिंग अगेंस्ट यू। तो व्हाई योर सेल इज रिवोल्टिंग अगेंस्ट यू? क्योंकि आपने उसको इतना कंफ्यूज कर दिया है, जिसके अंदर जो है ना ट्रिलियंस ऑफ मेमोरी है, जो आपके जितनी भी पूर्व जनरेशन है उनकी भी मेमोरी अपने पास लिए हुए है, उस सेल को आपने इतना कंफ्यूज कर दिया है कि वो जो है ना सब चीज भूल के इट इज स्टार्टिंग ओवर ग्रोइंग एंड डिस्ट्रॉइंग योर ओन बॉडी। जबकि जो है पूरा सिस्टम, पूरी बॉडी, पूरा इम्यूनिटी सिस्टम इस तरीके से है कि वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। आप क्या सोचते हैं कि आप बॉडी, आप किसी को स्वस्थ कर रहे हैं, आप थोड़ा बहुत एक एनवायरनमेंट दे रहे हैं, एक सपोर्टिव चीज दे रहे हैं, बॉडी के अंदर की मैकेनिज्म उसे ठीक करती है। आप तो फर्जी क्रेडिट ले रहे हैं, राइट? अब जैसे जो हम कहते हैं कि जो एलोपैथिक डॉक्टर बहुत क्रेडिट लेते हैं कि मेडिकल साइंस में ये प्रोग्रेस हुई, मैं एक क्वेश्चन हमेशा उनसे पूछता हूँ कि उस प्रोग्रेस के लिए क्या उनका कंट्रीब्यूशन है? क्या क्या कोई भी इन्वेस्टिगेशन, कोई भी टेस्टिंग, कोई भी चीज किसी डॉक्टर ने बनाई है क्या? क्या कोई भी ड्रग डॉक्टर ने बनाया है क्या? नहीं। क्या कोई जो है ना ऑपरेशन की टेक्नोलॉजी क्या डॉक्टर ने बनाई है? तो डॉक्टर जो ये डेवलपमेंट हुआ उसके लिए डॉक्टर को क्रेडिट क्यों मिलना चाहिए? बल्कि जो काम आपको करना है, ऐसे ज्वलंत एग्जाम्पल है कि आप मेडिकेशन भी उल्टी कर रहे हैं, आप इतने लापरवाही कर रहे हैं कि अंदर कैंची छोड़ देते हैं, फलाना छोड़ देते हैं ऑपरेशन से। सफर तो वही कर रहा है जिसके अंदर छूटा है वो, तो कहाँ अकाउंटेबिलिटी? आप जैसे मैं जो है सामने वाले से कंसेंट करा रहे हैं ऑपरेशन फॉर्म में कि मैंने अच्छे ढंग से समझा दिया, समझ लिया, वहाँ जो है ना आप तो उससे बात ही करने के लिए तैयार नहीं, और आपकी नर्स भी उससे बात करने के लिए नहीं तैयार, कहती यहाँ सिग्नेचर करो, यहाँ सिग्नेचर करो, यहाँ सिग्नेचर करो। तो आपकी यदि जनमोर्चा पार्टी को यदि कोई वो करता है तो आपकी क्या मेथोडोलॉजी है? ये एक्शन प्लान होना चाहिए ना आपका हर चीज, और वो एक्शन प्लान उन लोगों के द्वारा होना चाहिए जो उन्होंने जिन्होंने जिंदगी डाली है, चाहे वो इंडस्ट्री के फील्ड में हो, चाहे वो लेबर लॉ के फील्ड में हो, चाहे जो है कानून के फील्ड में हो, चाहे संविधान के फील्ड में हो, चाहे पुलिसिंग में हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे जो है और विशेष तौर पे प्रोडक्शन फील्ड में, बिकॉज अल्टीमेटली सर्विसेज का काम केवल सर्विस देना है, प्रोडक्शन इज द मैन, उसकी बैक इंजन है। अच्छा, आपका ये वो इस पढ़ते रहते हैं आप, आपके ग्रुप में जो भी मैटर आता है, इससे एक क्राइम मुक्त भारत है, क्राइम मुक्त भारत। बिल्कुल, तो क्राइम मुक्त भारत की पूरी 21 टेक्नोलॉजी की बेस जो है पूरा रोड मैप है। जो कह रहा है बिना थाने जाए आपकी लीगली एक्सेप्टेबल FIR लिखी जाएगी, जो कह रहा है कि गधे से गधे पुलिस ऑफिसर से बैकेंड इंजन के टेक्नोलॉजी सपोर्ट के कारण
हम जो है उसे सभी तरीके के क्लिस से क्लिस जो है ना केसेस को डिटेक्ट कर पाएंगे. देन वी आर सेइंग कि विद द मेकर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे बिना थाने जाए आपकी FIR लिखेगी, ऐसे ही बिना कोर्ट जाए कोर्ट ट्रायल भी होगा, और आज के कोर्ट ट्रायल से 100 गुना बेटर होगा, ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, ज्यादा इफिशियंट होगा. वो कह रहा है कि सब जो है ये जो 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 संख्या जजेस की है, जिन्होंने लाइफ टाइम, जिन्होंने जस्ट ए मिनट, जिन्होंने लाइफ टाइम एक्सपीरियंस जिनका है, उनको अलग अलग विधाओं का एक आध महीने की ट्रेनिंग देके हम उन्हें एडहॉक जज क्यों नहीं बना सकते. व्हाई द ट्रायल शुड नॉट कंटिन्यूसली रन एंड ऑल केसेस शुड बी डिसाइडेड विद इन 7 डेज. क्योंकि जब तक अपन ऐसा नहीं करेंगे तब तक तो काम नहीं बनने वाला है. सही बात, आप अपनी बात समझ रहे हैं. देन वो कह रहा है कि एक डिजिटल चित्रगुप्त होगा, जिसके लिए मैंने कानून बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया है, बिकॉज आई एम द प्रोजेक्ट लीडर एंड नोडल ऑफिसर फॉर नेशनल पुलिस मिशन, जिसका नाम है ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम फॉर क्राइम फ्री इंडिया, क्राइम फ्री भारत विथ 21 टेक्नोलॉजी. आई एम द प्रोजेक्ट लीडर एंड इज ए नेशनल पुलिस मिशन, राइट. तो ये जैसे क्राइम फ्री भारत है, यस, तो ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है ये तो मुख्यमंत्री के उसमें आता है, अंडर में रहते हैं. करेक्ट. जब जब तक पॉलिटिशियंस अच्छे लोग नहीं जाएंगे तब तक ये क्राइम फ्री भारत कैसे संभव होगा? तो नहीं नहीं नहीं, नहीं. हाँ. यदि हम ये कह रहे हैं गवर्नमेंट के अंडर में, देखिए मेरा ये कहना ये है, हम देखिए सरकार भी बनाओ लेकिन पहले तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी लाओ ना. आप यदि आपकी पार्टी यदि पावर में आ जाएगी तो जो है ना वो क्राइम फ्री भारत कैसे बनेगा? उसमें आप भी वैसे ही पैसा आओगे, उस समय वो पुलिस आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि आप अपने लोगों के खिलाफ जो केसेस आएंगे योगी जैसा उसको विड्रॉ करेंगे. आप जो है ना उन्हीं क्रिमिनल वालों को टिकट देंगे, जैसे ही आपकी पार्टी को थोड़ा सा पावर होगा और वो क्रिमिनल्स आपके तरफ घूमेंगे, राइट. पहले क्रिमिनल बाहर से सपोर्ट करते थे, अब उनको लगा हमें क्यों नेता ना बने, क्योंकि जब हमारे जीतने की संभावना एक शरीफ आदमी से 3 गुना ज्यादा है तो हम क्या नालायक हैं कि जो है ना त्रिपाठी जी को जिताएंगे? हम ही त्रिपाठी जी क्यों ना बन जाएंगे? सुन रहे कि नहीं सुन रहे? बिल्कुल. तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी हमें बाहर से भी लाना पड़ेगी, और यदि हम यदि पॉलिटिकल विकल्प पैदा करेंगे, पॉलिटिकल विकल्प विद द फुल स्ट्रेटेजी इन्वॉल्विंग जिन्होंने ऑलरेडी अपनी जिंदगी लगाई हुई है. आपका लॉ मिनिस्टर वो होना चाहिए जिसने कानून में एडवोकेसी किया है एक अच्छे भारत के लिए, जिसने जो है ना बड़ी फीस के लिए केस लड़े हैं, वो आपका कानून मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए. सही बात. इंडस्ट्री मिनिस्टर वो बनना चाहिए जिसने जो है ना इंडस्ट्री के फील्ड में बहुत सारा काम किया है, जिसने पेटेंट्स लिए हैं, जिसने वो लिया है, जिसके पास एक रोड मैप है कि इंडस्ट्री का काम कैसे करना है. मेडिकल फील्ड में उन लोगों को होना चाहिए जिन्होंने जो है एक हेल्दी लिविंग के लिए अपनी जिंदगी निकाल दी है. सही बात, राइट. तो यदि 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 इनके इनको इन्वॉल्व करके और इनके पहले से ही जो है हम एक जैसे इसमें ये था कि एक देर शुड बी ए पैरेलल गवर्नमेंट, राइट, जो हमेशा ये काम करे कि इन ये क्या गलती कर रहे हैं और हम होंगे तो हम क्या करेंगे, राइट. और आज के दिन भी आप सरकार नहीं भी हैं तब भी आप प्राइवेट बिल ला सकते हैं, राइट. यू कैन कम आउट विद ए फुल एक्ट, सामने वाला बनाए चाहे ना बनाए, लेकिन रिकॉर्ड में तो आ जाएगा ना कि साहब एक ऐसा एक्ट जो है ना सोचा गया और जो कानून जो कि पार्लियामेंट में या विधानसभा में परोसा गया. लेकिन आप वो तब कर पाएंगे ना जब आपका इंजन काम कर रहा है और वो सोच रखता है. नहीं तो आपका जो है ना व्यक्ति है वही उसी तरीके के, वो भी धन लोलोप होंगे, राजनीति लोलोप होंगे, सत्ता लोलोप होंगे, तो उससे तुम्हें भला थोड़े होने वाला है. सही बात, बिल्कुल सही. और ये स्लोगन और पॉइंटर लिखने में तो जो जितने भी अच्छे पॉइंट है दुनिया में खोज के 1 2 3 4 5 लिखा जा सकता है, उससे थोड़े वो पॉइंट हासिल हो जाएंगे. जो आप कह रहे हो उसके हासिल करने के लिए आपका रोड मैप क्या है? आप वो रोड मैप किसने तैयार किया है? वो रोड मैप जो है ना वो कानून जब तक सत्ता के बाहर रह के कितना किया जा सकता है उसको करने की कोशिश की जाए, इफ नथिंग एल्स इन द फॉर्म ऑफ एडवोकेसी. यदि आप चाहते हैं कि हम आगे चल के कानून बनाएंगे तो वो ड्राफ्ट बना के जो है ना उसको डिबेट में लाया जाए कि इस तरीके का कानून बनना चाहिए.
अपोजिशन मेंबर या किसी के पास जा सकते हैं कि साहब देखो इतना अच्छा कानून बनाया, आप सहमत हैं क्या, इसको आप एज ए प्राइवेट बिल लेके जाइए। ये तो कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग जो है इनके इन प्रकरण जीत के सत्ता हासिल करना चाहते हैं और वो उसी तरीके से करप्शन को बढ़ावा देंगे, उसी तरीके से सबका दुरुपयोग करेंगे। बस सवाल ये है कि अभी तक किसी दूसरे लोगों ने किया, अब आपको करने का मौका मिलेगा। आप दूसरों से भिन्न कैसे होंगे? ये बड़ा प्रश्न है। एक्शन प्लान हम लोग बनाएंगे इसका। हाँ, क्षेत्र में अच्छे जिसे सब लोग हैं, जानकार लोग हैं, उससे बात करने की बात। चार पांच पॉइंट जानकार अकेला नहीं है, उनकी तपस्या होना चाहिए। मतलब आप जानकार तो बहुत हैं, अच्छे से जो है ना ड्राफ्ट बना लेंगे, लेकिन आपकी तपस्या जीरो है, आपका कंट्रीब्यूशन जीरो है। योर लाइफ शुड बी द लिविंग एग्जाम्पल, जो आप कह रहे हो। मतलब आप बदमाशियां करते रहे हो, ब्रश रहे हो और ईमानदारी की बातें करोगे तो ऐसा ही होगा। आप ये बताइए, आप ये बताइए ना कि एक बड़ा आंदोलन हुआ, कहा कि लोकपाल बिल लाएंगे, राइट, लोकपाल एक्ट लाएंगे। लोकपाल एक्ट बन गया 2009 में। लोकपाल की पदस्थापना भी हो गई है। आपको मालूम है आपका लोकपाल कौन है? नहीं मालूम। तो वो लोकपाल महोदय को एक नोबेल प्राइज नहीं मिलना चाहिए कि उन्होंने जो है ना कराधारों का कुछ नहीं है, अपना नाम भी सीक्रेट रखा। अदरवाइज हमारे एक्ट में इनएक्शन शुड बी ए डिस्क्वालिफिकेशन। यदि इनएक्शन डिस्क्वालिफिकेशन होती तो वो लोकपाल महोदय को चिंता होती कि हम कुछ नहीं करेंगे तो अगले साल हमको बाहर कर दिया जाएगा। डिस्क्वालिफिकेशन, पागल होना अकेला क्यों हो सकती है? अपराध करना ही क्यों हो सकती है? जिस बड़ी पोस्ट पे आपको बिठाया गया है उसमें पॉजिटिवली काम करके, कंट्रीब्यूट करके, जो अपेक्षा की गई है कि हम अपराध मुक्त या भ्रष्टाचार मुक्त जो है ना भारत लाएंगे, और स्पेशली बड़े पदों पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको जो है ना अपराध नहीं करने देंगे, उनको भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे, तो इसके लिए जो है ना उन लोकपाल महोदय ने क्या किया? और यदि हम इस तरीके की अकाउंटेबिलिटी नहीं लाएंगे तो आप कुछ भी कानून बना लीजिए, कानून बनना कानून थोड़ी साला बोलेगा। सही बात, बिल्कुल। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो हम इस बात को बहुत जोर से कहते हैं कि आर वी लिविंग इन डेमोक्रेसी, और मुझे बहुत जोर से लगता है कि वी आर नॉट लिविंग इन ए डेमोक्रेसी। उसका बहुत बड़ा कारण तो ये है कि जो वोटिंग हो रही है दैट इज नॉट ऑन मैरिट, नंबर वन, राइट। आपको दिग्भ्रमित करके धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर, गरीबी के नाम पर, दारू के नाम पे दारू बांट के, पैसे बांट के, साड़ियां बांट के, मूर्ख बना के, आपकी जो है ना गरीबी का उपहास उड़ा के आपके वोट को जो है ना हासिल किया जा रहा है। सही बात है। तो दे आर नॉट द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑन मैरिट, राइट। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना ढेर सारा जो है ना वो दिया कि साहब हम बड़े असहाय हैं, हम अपराधियों को नहीं रोक पा रहे हैं, और हमने फरवरी 2020 में जो एक रूलिंग दी थी कि साहब बिहार चुनाव के ऊपर कि साहब इस तरीके से लोग अपने वो करेंगे, अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड को जो ना 3 पेपर में पब्लिश करेंगे, सोशल मीडिया पे देंगे, वो नहीं किया, राइट। उन्होंने कुछ पॉलिटिकल पार्टी पे 5 लाख का, कुछ पे जो है ना 1 लाख का वो किया है, फाइन किया है, लेकिन नेट रिजल्ट है उसका पालन नहीं हुआ। हम ये कह रहे हैं कि हम अकेला नेगेटिव डायमेंशन की बात क्यों करते हैं, हम पॉजिटिव डायमेंशन की बात क्यों नहीं करते हैं? जो चुन के आया है यदि वो परफॉर्म नहीं करेगा तो ही विल नॉट बी एंटाइटल टू बी इलेक्टेड नेक्स्ट टाइम। भाई जनता तब चुनेगी ना जब आपको इलेक्शन का मौका मिलेगा। तो एक बार आप आ गए कि हम ये करेंगे वो करेंगे और ग्राउंड पे आपका जो है ना परफॉर्मेंस जीरो है, आपका पार्लियामेंट्री डिबेट जीरो है। एक दूसरे केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साहब हमको जो है जजमेंट करने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि जब हमें किसी एक्ट को इंटरप्रेट करना होता है तो हम पार्लियामेंट में क्या बहस हुई है उसका सहारा लेते हैं, लेकिन विडंबना का विषय है कि 20 घंटे में कई जो है ना एक्ट पारित होते हैं तो वहां डिबेट तो जीरो है। और फिर जो है जो हमारा चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव है वो ना तो हमको पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारी बात तो कह ही नहीं रहा है, वो तो अपनी बात भी नहीं कह पा रहा है, उसको छोड़ो हमारी बात को, तो और वो तो पॉलिटिकल भेद से बंधा हुआ है। अच्छा,
वो चलो पार्लियामेंट के अंदर तुम हमारी बात नहीं कह पा रहे हो, तो चलो कम से कम टीवी डिबेट में, भाषणों में हमारी बात कहो, तो वहां पे भी आप हमारी बात नहीं कह पा रहे। आप पॉलिटिकल डिसिप्लिन में आपको सेकंड नोटिस मिल जाएगा, आपको जो है ना पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से हटा दिया जाएगा, राइट? तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ है, राइट? तो डेमोक्रेसी तो नहीं है, बिल्कुल सही बात है। देन जो है ना आप कहते हैं कि साहब एक इस देश में चपरासी बनने के लिए साक्षर होना चाहिए, राइट? मतलब अपन ये थोड़ी कहते हैं कि उसे दोष मुक्त होना चाहिए, राइट? उसे साक्षरित होना चाहिए। तो हमारे देश के कर्णधार बनने के लिए, कानून निर्माता बनने के लिए, देश की बागडोर संभालने के लिए साक्षरित क्यों नहीं होना चाहिए? आज आपके 42% पार्लियामेंटेरियन दे आर हैविंग क्रिमिनल रिकॉर्ड एंड 29% दे आर हैविंग द वेरी वेरी सीरियस ऑफेंसेस लाइक मर्डर्स एंड रेप एटसेट्रा। बिल्कुल तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप दोष, हम आपको अपराधी नहीं कहना चाहते हैं, हम वो डेफिनेशन भी नहीं बदलना चाहते हैं कि जब तक आपके विरुद्ध अपराध जो है सिद्ध ना हो तब तक जो है आप अपराधी कहने का हमें आपको कोई शौक नहीं है। बट आई एम सेइंग कि आप चुनाव में क्यों लड़ना चाहिए आपको, जब तक आप, यदि आपके विरुद्ध जो है ना कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया है, तो जब तक आप जो है दोष मुक्त नहीं हो पाते हैं तब तक आप चुनाव लड़ने के लिए आपकी पात्रता नहीं होना चाहिए। ये कानून बनना चाहिए। ये कानून कौन बनाएगा? ये कानून तो कोई नहीं बनाएगा। जब पार्टियां खुद, पॉलिटिकल पार्टियां जो है ना टिकट बांट रही हैं क्रिमिनल्स को, क्योंकि वो आसानी से जीत रहे हैं, तो ये लोग तो जो है देश को जो है ना धर्म पे, जाति पे, इस पे, फ्रीबी पे इस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, फ्रीबी का कल्चर ला रहे हैं, वो लोग जो है ना ऐसी अच्छी चीजें क्यों करेंगे? नहीं करेंगे, वो रूल्स ही नहीं बनाएंगे। तो वो कानून क्या होना चाहिए उसका ड्राफ्ट आप बनाइए ना। आप जो है ना दूसरी पॉलिटिकल पार्टी तक जाइए, जो जो उनसे कहिए कि साहब इसका जो प्राइवेट बिल जो है ना पास तो करो, कम से कम कोर्ट उसमें पार्लियामेंट में ले तो जाओ। खूब पास नहीं होगा वो, कम से कम उसके पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में तो रहेगा कि एक प्राइवेट बिल इस तरीके का आया था। हाँ, ठीक बात। क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल सही होना चाहिए इसे। तो ऐसे जनमोर्चा पार्टी वार्टी से काम बनने वाला नहीं है, ठीक है ना। इसमें जो है आपको जो है क्राइम फ्री भारत पार्टी का जो वो है, क्राइम फ्री भारत जो है जो विचार मंच है, राइट, एनजीओ है, उसको प्रजोर समर्थन करना चाहिए और आपको कहना चाहिए कि वी सपोर्ट एंड वी डू दैट जो है, राइट? और कहीं ना कहीं यू मेक योर सेल्फ एज ए पार्ट ऑफ द क्राइम फ्री भारत, राइट? आप मेरी बात समझ रहे हो ना। हाँ, क्राइम फ्री भारत आपका हिस्सा नहीं बन सकता, आपको क्राइम फ्री भारत का हिस्सा बनना पड़ेगा। बिल्कुल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू हैव टू से दैट कि हम जो है इस मंच को, इस पार्टी को क्राइम फ्री भारत जो एनजीओ है उसका एक्सटेंडेड विंग घोषित करते हैं। आप मेरी बात समझ रहे ना। और हम ऐसे लोगों को खोजेंगे जिन्होंने तपस्या की है, ऐसे लोगों को नहीं जिन्होंने, जिनका राजनीति ध्येय है। ऑप्शन क्रिएट होगा तो जिन्होंने तपस्या की है। यदि आज स्वामीनाथन जी खड़े होंगे तो लोग उनको वोट नहीं देंगे क्या? तो अभी आज उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। स्वामीनाथन जी को कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाएगा लेकिन उन्हें टिकट थोड़ी दिया जाएगा, ना दिया जाएगा। तो जिन्होंने डिफरेंट फील्ड में तपस्या की है उनके पास हाथ जोड़ के जाया जाए कि भाई हमें, हम जो है ना आपके पास आना चाहते हैं, उनकी सूची बनाई जाए और उनसे कहा जाए कि साहब यू स्टार्ट वर्किंग, और जो आपकी एडवोकेसी है हम एडवोकेसी को आज ले जाएंगे और जब हमें मौका मिलेगा तो हम उसको कानून में परिवर्तित करेंगे। लेकिन कानून में परिवर्तित करने का वेट नहीं करेंगे, एडवोकेसी आज करेंगे, अदालत के माध्यम से भी, प्राइवेट बिल के माध्यम से भी, पेपर्स के माध्यम से भी, वी विल कम विद ए रोड मैप। हम एक स्लोगन डायरी के तहत नहीं आएंगे। स्लोगन बनाने से जो है ना किसी देश का भला नहीं होने वाला है। बिल्कुल सही है।
नहीं आप बताइए ना मुझे, मतलब आपसे वही लोग जुड़ जाएंगे जिनको कहीं दूसरी जगह मौका नहीं मिल रहा है, वही बदमाश वकील मिल जाएंगे जो कि दूसरों से जबरदस्ती फीस वसूल कर रहे हैं, जिनका व्यवसाय नहीं चल रहा है। हाँ तो अभी तो यही हो रहा है। तो हम ऐसे लोगों के पास खुद क्यों ना जाएं जिन्होंने पहले तो सूची बनाए कि सब हर फील्ड में जितने भी सरकार के फील्ड होते हैं, जितने भी मंत्री होते हैं, उनकी सूची बनाई जाए, राइट? उस फील्ड में किन लोगों ने अपनी लाइफ डेडिकेट की है उनको खोजा जाए, और उनको जो है ना एक कमेटी बनाई जाए, उन्हीं का वो बनाया जाए, जिसी उस कमेटी से उससे ही जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिए जाएंगे, एमएलए लिए जाएंगे और बाकी सब लोग लिए जाएंगे, राइट? एंड उनको जो है ना एक फील्ड दे दिया जाए जहां से जो वो कर रहे हैं वो उसकी एडवोकेसी के साथ साथ उसे उस जगह पे ग्राउंड पे भी उतारे, तो पब्लिक को मालूम होगा कि साहब ये लोग हैं, ये तो वैसे तो उनकी ऑलरेडी छवि होगी फिर, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में जहां से कल हम उनको टिकट देना चाहेंगे उस एरिया में उनको काम करने का मौका दिया जाए, जिससे कि वो भाषण के आधार पर नहीं अपने काम अपनी तपस्या के आधार पर जाने जाएंगे। उनको जो है उन ऐसे तपस्वी लोगों के सामने ये चोर क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले नेता 2 मिनट नहीं टिकेंगे, और पूरी जनता को जो ना उसमें जोड़ के और पूरी जनता ही उसकी उनकी कैनवासिंग करे, जिसकी कैनवासिंग पूरी जनता करे उसको टिकट वोट तो अपने आप ही मिल जाएंगे। कुछ बात आपको समझ आ रही है? हाँ पूरा, आपके पॉइंट कुछ हम लिख ही रहे हैं। आप चिंता मत करिए, हम इसकी रिकॉर्डिंग आपको पास भेज देंगे, ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ तो मेरा कहना ये है कि एक अच्छे भारत को स्थापित किया जाए जी, नेता नहीं नागरिक चाहिए, हमें अच्छे लोग चाहिए जो कमिटेड हो कि वी विल मेक ए डिफरेंस, नेतागिरी के माध्यम से नहीं, अपनी तपस्या के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से, अपने कार्य के माध्यम से, और हम ज्ञान नहीं बांटेंगे, हम इस ज्ञान को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में कन्वर्ट करके जो परिवर्तन लाना है वो स्टार्टअप बना के यूथ को उसमें इन्वॉल्व करके उनको रेवेन्यू स्ट्रीम देके उसको जमीन पर उतारेंगे। जी जी बिल्कुल, और उसमें शुद्ध नेतागिरी करने वालों को नहीं घुसने देंगे, क्योंकि वो शुद्ध नेतागिरी करने वाले तो जो है ना वो तो अवसर खोज रहे हैं, क्योंकि बड़े पार्टियों में उनको अवसर नहीं मिल रहा है, और आपने एक दूसरी पार्टी खोल दी तो उन्होंने वहां अवसर दिखाई देने लगा। ये ऐसे अवसरवादी लोग जो है ना देश में परिवर्तन नहीं ला पाएंगे, नहीं लाते, बिल्कुल सही बात, नहीं नहीं ला ही नहीं पाएंगे, उनका सोच का हिस्सा ही नहीं होगा ना, बिल्कुल, वो तो खरीदने और बिकने के लिए पहले से तैयार खड़े होंगे, उनके पास ना तो कोई आदर्श है, ना कोई विचार है, ना कोई शक्ति है, दे मे नॉट बी बेटर देन जो है ना प्रेजेंट लॉट ऑफ द पॉलिटिशियन, दे विल बी इक्वली बैड पॉलिटिशियन, तो उनके रहने से क्या फायदा है? सही बात। चलिए त्रिपाठी साहब जो है जो ये बातें हमने आपसे कही है जी, इस पे विचार करिए, और एक अच्छे भारत के लिए जो है मैं तो ये कहूंगा कि यू सेक दैट आई डिक्लेयर और जनता पार्टी डिक्लेयर्ड सब्सिडरी ऑफ द क्राइम फ्री भारत मिशन, क्योंकि क्राइम फ्री भारत मिशन अकेला क्राइम फ्री भारत मिशन नहीं है, इसके साथ 18 और भारत जोड़े गए हैं, केमिकल फ्री, ऑर्गेनिक, ग्रेन रिच, एग्रीकल्चर रिच भारत, राइट, हनी रिच भारत, मिल्क रिच भारत, राइट, जॉब एंड सर्विसेज रिच भारत, इंडस्ट्री टूल इक्विपमेंट एंड मशीनरी रिच भारत, राइट, नारी सम्मान युक्त भारत, प्राउड युक्त भारत, तो ऐसे 18 भारत है उसमें जी। और लास्ट तो उसमें जो एडिशन है नेगेटिविटी फ्री भारत, अभी हमने एक लास्ट चीज जोड़ी है कि वेल्थ तो क्रिएट हो जाएगी लेकिन वेल्थ अपने साथ जो है ना बुराइयां भी लाती है, जैसे मान लो पंजाब में वेल्थ आई तो वहां के 80% यूथ जो है वो ड्रगिस्ट हो गए, और जो पॉलिटिकल माफिया जो है ना वो सिंडिकेट को चला रहे हैं ड्रग बांटने वाले, किसी से छिपा नहीं है जी। तो हम वेल्थ क्रिएट करें, वेल्थ फॉर ऑल, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड नॉट बी एन इश्यू, राइट, और फ्री भी ना बांटे, नहीं क्योंकि फ्री भी तो लोगों को निकम्मा बनाती है,
राइट बनाते तो हर किसी को मिनिमम एंटाइटलमेंट है। यदि आपके पास पैसा भी नहीं है तो आपको वो मिनिमम एंटाइटलमेंट मिलेगा लेकिन फ्री में नहीं मिलेगा, इट विल गो एज ए डिफर्ड पेमेंट राइट, मतलब भविष्य में आपको उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा जी राइट सही बात बिल्कुल। तो हम मानव के बतौर पैदा हुए हैं तो हमें मिनिमम चीज जो है ना जो नेचर ने पैदा की है चाहे हमारे पास परचेजिंग पावर हो चाहे ना हो वो मिनिमम क्वांटिटी में तो मुझे मिलना चाहिए फॉर फॉर ए गुड ह्यूमन बीइंग का जो लिविंग है राइट। एंड देन जो है उसको पाने के लिए हमारे पास परचेजिंग पावर होना चाहिए और जब तक परचेजिंग पावर नहीं है तब तक वो डिफर्ड पेमेंट के तहत मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि दैट विल बी ट्रीटेड एज ए लायबिलिटी एज ए क्रेडिट एज ए लोन टू यू राइट। एंड देन जो है आप द सिस्टम जो है ना आपकी चीजों को देखते हुए आपको कैसे रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से आप में वो शक्ति पैदा करें कि आपकी परचेजिंग पावर बढ़े राइट बिल्कुल राइट। यदि आप वो काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो फिर आपको जो है ना वो जो बेनिफिट है दे विल नॉट बी अवेलेबल फॉर इवन डिफर्ड पेमेंट ऑल्सो। निकम्मों को जो है ना हक नहीं मिलना चाहिए, कर्मठ लोगों को हक मिलना चाहिए। कर्मयोगी हर किसी को होना चाहिए राइट। तो जब तक आपके पास कोई काउंटर रोड मैप नहीं है, स्लोगन को छोड़ दीजिए, स्लोगन रोड मैप नहीं होते हैं। जैसे वी आर हैविंग ए फुल रोड मैप कि जो भी प्रोड्यूसर है हम उसको माला माल कैसे करेंगे। हम अकेला फार्मर की बात नहीं कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग ऑफ बीबर ऑल्सो, व्हाटएवर इज प्रोड्यूसिंग राइट। तो वो और पावरफुल और उसको भी टेक्नोलॉजी का यूज करके करेंगे, मॉडर्न मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट का यूज करके करेंगे। अभी क्या हो रहा है हर काम आदमी को खुद करना पड़ रहा है। यदि आप कोई स्टार्टअप या इंडस्ट्री का सोचते हैं तो आपको ही सोचना है, आपको ही करना है, कोई आपके पास एक स्ट्रक्चर नहीं है जो आपकी मदद करने के लिए तैयार हो। और वो ये भी डायरेक्ट नहीं कर रहा है कि आपको कहाँ पे क्या करना चाहिए। तो वी शुड आइडेंटिफाई कि हमें कहाँ गैप्स हैं एंड हमें जो है ना अपने यूथ की अपने साइंटिस्ट की अपने इंजीनियर्स की एनर्जी वी शुड से हे वी कॉल अपॉन टू डू दिस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभी लोग जैसी चीज सुन के उसने भी ऐप बना दिया इसने भी ऐप बना दिया इसने भी ऐसा नहीं चलेगा। दे शुड बी एंड टू एंड सॉल्यूशन जी। और एंड टू एंड सॉल्यूशन में भी ज्ञान ना बांटा जाए, जॉब एंड सर्विसेज जो है ना पहुंचाई जाए, दैट शुड बी द मेथोडोलॉजी जी। कुछ बात समझ में आ रही है डॉक्टर साहब? हाँ पूरा पूरा समझ आया। तो मुझे लगा कि आपको जो है चर्चा की जाए तो इसलिए मैंने आपसे बात की। मार्गदर्शन जरूरी है। हाँ नहीं मार्गदर्शन के साथ साथ देयर शुड बी रोड मैप, अदरवाइज वही स्वार्थी लोग आपसे जुड़े रहेंगे इससे आपका कोई भला नहीं होने वाला है। नहीं होने वाला नहीं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप जो है ना कहें कि एक एक्सटेंडेड जो है ना ये है हम होल हार्टेड अपने आप को जो है ना एक्सटेंशन ऑफ क्राइम फ्री भारत जो है उसको घोषित करते हैं और जितनी भी पॉलिसी डायरेक्शन वहां से मिलेंगे उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे जी। और वो भी उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे जो हमारा सोच का हिस्सा है जी। इसमें हम नेताओं को नहीं आने देंगे जी। हम किसी भी वकील साइंटिस्ट उसको भी नहीं आने देंगे अनलेस ही हैज डन समथिंग फॉर द नेशन। वो अपने अनुभव के साथ आए और हाउ ही विल बी कंट्रीब्यूटिंग फॉर द रोड मैप ऑफ द कंट्री। मतलब ऐसा नहीं है कि ना बिना पढ़ा लिखा आदमी और शिक्षा मंत्री बन गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर उसको साइंस का एस भी नहीं मालूम, ये नहीं चलेगा। और यदि आपकी पहले से ही ऐसी रणनीति नहीं होगी तो जब आपको यदि धोखे से मिल भी गया तो वो एक और डिजास्टर होगा राइट। बिल्कुल उनके साथ तो एक तपस्या जुड़ी हुई है इतने सालों की, आज तो बिना तपस्या के नाम से आपकी लॉटरी खुल गई और फिर आप जो है ना उसी लूट में आपसे जुड़े हुए लोग चूंकि उसी मनसा से जुड़े हुए हैं तो वही बदमाशी करेंगे वो। सही बात। केजरीवाल से लोगों की अपेक्षा थी कि ही विल कम आउट विद अ बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। फ्री बिजली बांट के फ्री पानी बांट के जो है ना वो नहीं होना चाहिए। और फ्री बिजली और फ्री पानी भी दे रहे हैं तो दैट शुड बी अंडर डिफर्ड पेमेंट राइट। आप उन लोगों में उतना खरीदने की परचेजिंग पावर डेवलप करिए ना। व्हाट इज योर स्ट्रेटजी टू डेवलप परचेजिंग पावर, तो कहीं नहीं दिख रही है। सही बात। चलिए आज के मेरे ख्याल से वार्तालाप आपके साथ से मुझे लगा कि
आपके मैसेज आते रहते हैं, मैंने कहा कि थोड़ा सा आपसे चर्चा की जाए, आपको हल्का सा एक ठीक है, मार्गदर्शन दिया जाए। और आपकी बातें हम लोग बड़ा गंभीरता से लेते हैं। नहीं, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि हम उन लोगों के पास पहुंचे, पहले तो उनकी सूची बनाए जिन्होंने तपस्या की है, जिन्होंने ऑलरेडी उनका लाइफ इज लिविंग एग्जाम्पल फॉर द डेडिकेशन इन पर्टिकुलर फील्ड। तो उन्हीं लोगों को, ऐसे 100 लोगों को खोजा जाए, उनकी कमेटियां बनाई जाए, उनसे कहा जाए कि आप रोड मैप बनाइए, ये करिए वो करिए, राइट। एंड देन जो है जब अपॉर्चुनिटी आए तो उन्हीं को जो है ना हम टिकट भी दें। सही बात, बिल्कुल, एक एक्शन प्लान बनाते हैं हम लोग। हाँ, चलिए डॉक्टर त्रिपाठी जो है ना, ऑल द बेस्ट टू यू। जी, थैंक्स सर। जी, नमस्कार।